जोहर का वक्त हो गया था, तो इस वजह से मैंने वीडियो स्टॉप कर दी। और ये जो है ना, ये हुसैन का ड्रेस है, और बहुत ही मुझे अच्छा लगा। इसका स्टफ़ इतना अच्छा है, और इतना मतलब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला सबको अपने अपने घरों में खुश रखे, आबाद रखे, और हमेशा मुश्किलों परेशानी से महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपनी विंटर शॉपिंग हॉल, जो कि मैं बच्चों के लिए शॉपिंग करके लेकर आई थी। तो मैं दिखाती हूँ आपको मैंने कहाँ से लिया और क्या क्या लिया। तो ये फ्राइडे का दिन था, क्योंकि मैं जो हस्बैंड का फ्राइडे को ही ऑफ होता है, तो कहीं जाना होता है शॉपिंग वगैरह के लिए, तो हम फ्राइडे के दिन ही निकलते हैं। तो आज मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ, तो मैंने सोचा था मौका मिलेगा तो मैं फ़ौरन से आपके साथ शेयर करूँगी। तो यहाँ जो है हम लोग आए थे चेज़, क्योंकि मैं हमेशा यहीं आती हूँ। ज़्यादातर जो है मेरी कोई भी शॉपिंग हो, ग्रोसरी या फिर कपड़ों वगैरह की, तो यहीं से हम लोग शॉपिंग करते हैं। तो हम लोग यहाँ पहुँच गए थे, और बहुत अच्छी विंटर कलेक्शन आई हुई है बच्चों की, अच्छी। यानी कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पर, जो ये मैं आपको हुडी सफ़र दिखा रही थी, हाँ ये तो मैंने लिए हैं बच्चों के लिए। और अगर आपको मेरी वीडियो देखनी है तो आपको बहुत मुश्किल काम करना होगा आज, और वो मुश्किल काम ये है कि जो मेरे चैनल पे न्यू हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उन सबसे मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कर लें, और कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरा आज का व्लॉग कैसा लगा और कैसी लगी आपको मेरी आज की वीडियो। तो चलें स्टार्ट करते हैं हम अपनी वीडियो। तो यहाँ मैं आपको दिखा रही थी ये जितनी भी कलेक्शन आई हुई है विंटर की, और अच्छे प्राइस में दी। तो बस अब हम जा रहे थे, ले लिए थे कपड़े वगैरह जो बच्चों के लेने थे मुझे। तो बच्चों के कपड़ों की ज़्यादा फिक्र लगी रहती है, क्योंकि सर्दियाँ तकरीबन कराची में स्टार्ट हो चुकी हैं, तो बच्चों के लिए बहुत प्रॉब्लम हो रही थी, और इस वजह से मैंने सोचा कि चले हम चल के ले ही लूँ। तो लास्ट टाइम गई थी तो मैं हुसैन के लिए लेकर आ गई थी, तो मैं आप लोगों के साथ आगे शेयर करूँगी। वीडियो को स्किप नहीं करिएगा, वीडियो एंड तक देखिएगा। और ये जो है यहाँ मैं आपको दिखा रही थी कि तो यहाँ मैं आपको ये दिखा रही थी, जैसे कि अब गाजर भी आ चुकी है, सीज़न स्टार्ट हो चुका है, तो जो सर्दियों की सौगात है गाजर का हलवा, तो वही बनाने की तैयारी हो रही है यहाँ पर। और यहाँ जो ये मेरे हस्बैंड हैं जो गाजर को इस वक्त छील रहे हैं बड़े ज़ोर शोर के साथ, क्योंकि मुझे जो है ना बहुत डर लगता है गाजर को ग्रेट करने में, क्योंकि बहुत दफ़ा ऐसा हो चुका है कि मेरे लग गई है, मेरे हाथ कट गया है, मुझे पता नहीं खौफ आता है ग्रेटर देख कर ही कि लग ना जाए। अभी इस पे नाखून जो है मेरा ना कट चुका है थोड़ा सा, तो उन्होंने कहा कि चलो मैं शेयर करूँगी इसकी रेसिपी, जल्दी कर देता हूँ। तो मैं वही मैं दिखा रही थी, मैं देखें ज़रा स्पीड चेक करी से कितनी जल्दी जल्दी उन्होंने आधे रह गई जो है सारी गाजर छील ली। अब आप यहाँ भी स्पीड चेक करें, माशाल्लाह माशाल्लाह। असल में मेरे हाथ में कली लगी है ना, तो ये डर गए थोड़ा सा। ये देखें, आप देख सकते हैं कैसे लगी, ये नहीं बता सकती तो मैं जो है ना पतली पतली सी गाजर जो है ना मैं इस पर कद्दूकश कर रही हूँ आराम आराम से, क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है ये जो होते हैं ना, ये इससे बहुत डर लगता है। तो देखा आपने, बस जल्दी जल्दी से उन्होंने जल्दी से सारी जो है गाजर को ग्रेट करा, मैंने भी साथ में थोड़ा सी हेल्प करती रही। और अब मैं बनाऊंगी इसकी रेसिपी, मैं आपके साथ शेयर करूंगी, मैं आज बनाऊंगी ये। बस इस चीज़ को ग्रेट करके ना मैंने फ्रिज में रख दिया था। और यहाँ मैं ये दिखा रही थी, ये बच्चे बस पढ़ाई स्टार्ट हो चुकी है इन लोग की ऑनलाइन जो है आज से, तो बस अब अपनी बेचारी पढ़ाई में लग गए, मसरूफ़ है, अमल हो गए बच्चे। और यहाँ हुसैन है, जाओगे पापा के साथ? पापा था मैमे लेने जाऊंगा। मैमे लेने जाओगे आप? क्यों? काटने की। क्या करोगे मैमे के साथ? मैमे तो काटूंगा। कैसे काटोगे? पांव बांध के। इधर देख के बताओ ना, कैसे पांव बांधोगे बताओ जल्दी से। पांव बांध के काटूंगा। आप काट लोगे? आपको डर नहीं लगेगा है? आपको मैमे से डर नहीं लगता? नहीं। मार देती है, सामने देख के बात करो ना, इधर देखो, हाँ इधर देखो। मैमे से आपको डर नहीं लगता? नहीं नहीं लगता, वो मार देती है, वो बहुत जोर से मारती है। कर रहा है। अच्छा अभी आप कहाँ गए थे नीचे? अभी पापा के पास कहाँ गए थे आप? पापा ने दिलाया ये? हाँ। क्या दिलाए? स्लीपर दिखाओ। हाँ। अच्छी लग रही है मुझे, मैं ये स्लीपर फाइज को दे दूंगी। नहीं फाइज को गिफ्ट कर देते हैं ना हम ये स्लीपर। ये मैं आता। किसने दिलाई है आपको?
पापा ने। आपने पापा को थैंक यू बोला? आपने पापा को थैंक यू बोला? इधर आओ, बात तो कर लो बैठ के। मैं वीडियो किसकी बनाऊँ? पापा ने दिलाई आपको स्लीपर, अच्छी लग रही है आपको? अच्छा चलो स्लीपर बाहर रखो, यहाँ पे चादर पे पहन के नहीं बैठते स्लीपर को। जल्दी दिखाओ, लाओ। ये अदीबा बस कलरिंग करने में लग गई। मैंने अदीबा को क्या बोल दिया गलती से कि अदीबा एक एक करके कर लिया करो कलरिंग, तो अदीबा की कलरिंग स्टार्ट हो गई है। देखें कलरिंग अच्छी करती है अदीबा, लेकिन अब क्या अदीबा लाइनिंग्स क्यों आ रही हैं कलर में? इस तरह से लाइनिंग नहीं आनी चाहिए। और अब क्या कितने सारे कलरिंग कर दी तो ये लेकर आए थे हम लोग, गए थे बच्चों की कुछ विंटर शॉपिंग, कपड़े रह गए थे तो हम लोग गए थे, चेस फ्राइडे को गए थे। तो मैंने सोचा मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँ, दिखाऊँ कि क्या क्या विंटर जो है आए हुए हैं कपड़े। तो ये तो सबसे पहले ये मेरे हस्बैंड की पैंट है, क्योंकि उनको तो जितनी पैंट और शर्ट हों काम होते हैं उनके लिए बस ये। तो ये हमने लिए है वहाँ पे 799 की लिए ये पैंट। अच्छा स्टफ़ होता है, अच्छे चलते हैं, मतलब ये कपड़े अच्छे होता है वहाँ का स्टफ़ मुझे बहुत पसंद है। ना कोई इतनी लो क्वालिटी होती है ना कोई इतनी अच्छी हाई क्वालिटी होती है। ये हमने ली थी पैंट, और ये ली थी अब्दुल्ला की शर्ट, फुल स्लीव्स की शर्ट है ये। और इसके क्या प्राइस थे? असल में इसका जो है ना निकल गया था, वो जो यहाँ लगा हुआ था बटन पे जो इसका टैग है, इसके प्राइस थे 550 की शर्ट थी, देख सकते हैं आप। और इसके अलावा ये अदीबा के लिया था हमने, तो इसके प्राइस है 449 प्राइस है इसकी, ये देख सकते हैं। अच्छा है ना, इतना ज़्यादा मोटा है, अच्छा लग रहा है कि नहीं, कि एक शर्ट टाइप की समझ लिया, उस पर अच्छी सी डिज़ाइनिंग हुई भी एक, ये इसको कोट का लुक दिया हुआ है यहाँ पर फुल स्लीव से, तो बेस्ट है, मुझे बहुत अच्छा लगा ये। और यानी कि इसके प्राइस भी मुझे बहुत अच्छे लगे कि रिजनेबल प्राइस में। और ये देखें ज़रा, ये हुसैन साहब का ड्रेस, और इतना कोई इसने पता ही क्या किया, अजान हो रही है तो अजान ज़ुहर का वक्त हो गया था, तो इस वजह से मैंने वीडियो स्टॉप कर दी। और ये जो है ना, ये हुसैन का ड्रेस है, बहुत ही मुझे अच्छा लगा, इसका स्टफ़ इतना अच्छा है और इतना, मतलब इसकी प्राइस भी अच्छी है। और ये पता है आपको, ये हुसैन ने ख़ुद उठाकर बास्केट में डाल लिया था, तो फिर मैंने कहा क्या कर रहे हो तुम, कह रहे मैं ये लूँगा। तो फिर मैंने देखा तो मुझे भी अच्छा लगा, और मुझे पता नहीं था ये 3 पीस है। ये देखें, ये जो है ना इसका ये ट्राउज़र है, इतना प्यारा लग रहा है ये। और ये जो है ना इसका, ये इसकी दिखाती हूँ मैं आपको खोल के, ये देखें, मतलब इसकी जो एक हुडी टाइप की है ये अंदर है, ये शर्ट है इसकी, ये देखें हुडी के साथ है ये। और ये जो है ना इसके ऊपर से अलग से एक जैकेट टाइप की बनी हुई, और इतनी प्यारी लग रही है कि ये चाहे तो इसके साथ, मतलब किसी अलग ड्रेस के साथ भी मैं ये पहना सकती हूँ। और ये जो हुडी से ये भी अलग किसी पैंट के साथ भी पहन सकता हूँ, मतलब ये ऐसे अलग अलग करके भी इसके पहना सकते हैं। मुझे बहुत पसंद आया, उसके प्राइस मुझे बहुत अच्छे लगे लिखे हुए हैं यहाँ पर, ये देखें 1349 प्राइस, बिल्कुल मुझे सही प्राइस लगे। अच्छा ये 1349 में समझी, शायद 1000 में, इससे जो छोटा साइज था ना उसके 1000 प्राइस थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। वरना तो मेरे हिसाब से ये सूट जो है कम से कम कुछ नहीं 2000 या 2000 से अबव ही हो सकता है, लेकिन ये मुझे सही लगे इसके प्राइस, क्योंकि देखें ना 3 है, और इसको हम चाहे तो अलग अलग करके भी पहना सकते हैं इसे, तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा। और ये लिया था हमने हुसैन का हुडी अपा लिया था ये, तो ये इसके प्राइस भी 299 है, ये भी बिल्कुल अच्छे प्राइस में मिल गया, सही रहता है। मतलब यहाँ हमने देखा चेस वगैरह में, अच्छा अदीबा के लिए कुछ मुझे ना शर्ट वगैरह यहाँ सही नहीं मिली अभी, कुछ अच्छी नहीं लग रही थी पता नहीं क्यों, तो अब मैं जाऊँगी चेस वैल्यू जाऊँगी। और ये अदीबा के लिए हमने अपर लिया था, तो ये मिला है 599 का, अच्छा स्टफ़ है, मोटा है काफ़ी, यानी कि गर्म है। तो बस ये सारी विंटर बच्चों की जो है हम लोगों ने शॉपिंग करी है अभी फ़िलहाल, अपने लिए तो कुछ भी नहीं लिया, क्योंकि पापा कह रहे थे आप ले लो, लेकिन मैंने कहा नहीं बस सही है, आप बस बच्चों के लिए ले लें पहले, फिर फ़िलहाल मुझे तो कुछ नहीं चाहिए अभी, सिर्फ यही बहुत है बच्चों के लिए। तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने ली आहिस्ता आहिस्ता, मतलब अभी लास्ट टाइम जब गई थी तो मैं हुसैन के लिए ले आई थी, बच्चों के लिए तो जितने कपड़े हों कम है बस,
ख़ास तौर पे सर्दियों में भी और गर्मियों में भी यही है बच्चों का, तो जितने कपड़े होना काम है। तो मुझे तो बहुत ही वो होता है कि बस क्रेज़ बच्चों के लिए होना चाहिए, मेरे लिए ना हो कोई मसला नहीं चलेगा। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, बच्चों की विंटर शॉपिंग हॉल मैंने आप लोग के साथ शेयर करा। और मेरी रिक्वेस्ट है, जो मेरे चैनल पे न्यू है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा, और मुझे कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी आज की वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जाना चाहती हूँ मैं आपसे, अल्लाह हाफिज़।